वुड ओनली, ठीक है, कैसे ऑप्टेन होता है? इट इज बर्न, वुड इज बर्न इन लिमिटेड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन जिसको कहते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हम वुड बर्न करते हैं, वुड को जब जलाते हैं तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, वुड्स टू चारकोल ऑप्टेन होता है। होता क्या है, वो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स और वेपर्स जो होते हैं, मॉइस्चर बेसिकली, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाइल बर्निंग एंड इट टर्न्स इनटू चारकोल, और उससे क्या होता है कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है वुड, जो कि एक काफ़ी इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, चारकोल हमें हार्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो एक बहुत छोटे से साइज में चारकोल के हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि वुड के साथ पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर को जब वो एब्जॉर्ब कर लिया, सिकुड़ गया, डेंस हो गया, ठीक है, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। तो इसका क्या एडवांटेज हो गया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसका एडवांटेज हो गया कि नाउ इट बिकम्स कॉम्पैक्ट, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरा एडवांटेज ये होता है ओवर वुड, ये हालांकि वुड से ही ऑप्टेन हो रहा है, लेकिन दूसरा एक तो हो गया हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि हम थोड़ा सा चारकोल बर्न करेंगे तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। दूसरा क्या है इसका, ये कि लेस स्मोक, लेस स्मोक यानी कि लेस पॉल्यूशन कॉज होता है, तो इसीलिए चारकोल इज बेटर देन वुड, इन दोनों पॉइंट की वजह से जो वुड से हमें डिसएडवांटेज थे वो हमने इसको कवर अप कर लिया चारकोल। Thank you.